दुनिया की सबसे दुर्गम गुफा में फंसे जूनियर फुटबॉल टीम के बच्चे और उनके कोच सहित 13 लोगों को निकालना इतना आसान नहीं था, लेकिन भारत सरकार के अहम योगदान के चलते यह ऑपरेशन पूरा हो पाया। इसके लिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने खास तौर पर भारत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा, हम भारतीयों के प्रति आभारी हैं। दरअसल हामलू आम गुफा में फंसे बच्चों और उनके 25 वर्षीय कोच इकापू चान थ्वांग को निकालने के लिए भारत से हैवी केवियस स्लड पंप भेजा गया, जिससे गुफा में पानी का स्तर कम किया गया। रविवार से ही इसका असर दिखाई देने लगा और पहली खेप में 4 बच्चे गुफा से बाहर निकाल लिए गए। ताखोर जूनियर फुटबॉल के खिलाड़ियों सहित कोच को गुफा से बाहर निकालने में सफल हुई। भारत सरकार के आदेश पर केवीएस का हैवी ब्लड पंप महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित किर्लोस्कर समूह की कंपनी से भेजा गया था। किर्लोस्कर कंपनी के डिजाइनर हेड प्रशांत कुलकर्णी बीते शुक्रवार की रात को हैवी ब्लड पंप लेकर थाईलैंड रवाना हुए थे। प्रसाद कुलकर्णी के भाई किशोर कुलकर्णी ने बताया कि गुफा में भरे हुए पानी को निकालने के लिए हैवी पंप की जरूरत थी। भारत सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि पंप तकनीक विशेषज्ञ को थाईलैंड भेजा जाए। उसके बाद शुक्रवार को विशेष विमान से उन्हें थाईलैंड भेजा गया। इस हैवी ब्लड पंप के जरिए गुफा से पानी निकालने का काम शुरू किया गया, जिससे रविवार से बच्चों को निकालने में गोताखोरों और बचाव दल को मदद मिली और बच्चों को निकालने का सफल ऑपरेशन पूरा हो सका।